तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा। आप देख रहे हो आपका अपने YouTube चैनल एम दी सपोर्ट चैनल। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, आप सभी ATM तो चलाते हो यानी ATM आप यूज़ करते हो पैसे निकालने के लिए, पैसे जमा करने के लिए, पर आपको ये पता है कि ATM का आविष्कार किसने किया और ATM का आविष्कार कब हुआ? जी नहीं, आपको बिल्कुल भी यह पता नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा, और दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपना आपका अपने चैनल एम दी सपोर्ट चैनल, आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है आपके नॉलेज के थ्रू, है ना। तो सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में, आप रेड कलर का नीचे बटन होगा उस पर क्लिक कर सब्सक्राइब करो, और साथ में बेल आइकन होगा, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना। तो मैं बताता हूँ आपको, ATM की जो फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, है ना। इसका मशीन इनका जो आविष्कार है, मतलब मैं आपको बताऊँ ये पूरा पढ़ के बताऊँ, ATM यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन का आविष्कार का नाम है, जिन्होंने उसका आविष्कार का उनका नाम है जॉन सैफर्ड, है ना। यानी जॉन सैफर्ड ने इनका जो आविष्कार करा था ATM का, है ना। खास बात यह कि जॉन का ताल्लुक भारत से भी है। दरअसल जॉन सैफर्ड बैरन का जन्म 23 जून 1925 को भारत में मेघालय के शिलांग में हुआ था, है ना। इनका जो जन्म है वो मेघालय के शिलांग में हुआ था। स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले जॉन सैफर्ड बैरन के पिता उस समय उत्तरी बंगाल में चटगांवा पोर्ट कमिश्नर के चीफ इंजीनियर थे। एक बार जब बैरन पैसे निकालने के लिए बैंक गए तो उनके पहुँचने से पहले ही बैंक बंद हो गया। तो उन्होंने सोचा कि यदि चॉकलेट निकालने वाली वेंडिंग मशीन की तरह पैसे निकालने वाली वेंडिंग मशीन हो जिससे 24 घंटे पैसे निकाला जा सके तो कितनी आसानी होगी। बस फिर क्या था, बैरन ने कड़ी मेहनत करते हुए आखिरकार ATM का निर्माण कर दिया, है ना। इस खोज ने इंसानी जीवन के पैसों का खेल ही पूरी तरीके से बदल दिया। 27 जून 1977 ईस्वी में दुनिया का पहला कैश देने वाला ATM लगा, जिसने जॉन ने विकसित किया था। ये ATM लंदन में बर्कलेज बैंक की एक शाखा में लगाया गया था, है ना। तो आप समझ ही गए होंगे, तो जब जॉन गए थे बैंक में पैसे निकालने के लिए तो उन्हें क्या, उन्हें लाइन में देखे उन्हें पैसे भी ना मिले, और मतलब उन्हें काफ़ी, मतलब फिर उन्होंने सोचा इतनी भीड़ रहती है तो क्यों ना मैं एक ATM का आविष्कार करूँ, अगर चॉकलेट देने वाली मशीन बन सकती है तो पैसे निकालने वाली मशीन भी बन सकी है। तो ये सोचकर उन्होंने बड़ी बड़ी गहरी मेहनत करी और उन्होंने ATM का आविष्कार करा, है ना। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, उन्होंने बहुत मेहनत से आविष्कार करा था, तो आप समझ गए होंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। सो थैंक्स देखने के लिए।